हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रजापति न्यूज में। भारत में एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जिसमें भगवान को चढ़ाई जाती है शराब। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भगवान को शराब चढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं रोचक तो है ही, इस श्रद्धालुओं को चौंकाती भी है। आज की इस वीडियो में जानिए उज्जैन के काल भैरव मंदिर में क्यों शराब चढ़ाई जाती है। जानने के लिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। भगवान और शराब सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन इस सच है उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। हमारे भारत में अनेक मंदिर हैं जिनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। इन्हीं में शामिल है महाकाल की नगरी उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव साक्षात रूप में मदिरा पान करते हैं। मंदिर में जैसे ही शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुँह से लगाते हैं, देखते ही देखते शराब के प्याले खाली हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इस बात की गहन तहकीकात करवाई गई कि आखिर शराब जाती कहाँ है। उनके प्रतिमा के आसपास काफी गहराई तक खुदाई की गई, लेकिन जब नतीजा कुछ नहीं निकला तो वे अंग्रेज भी काल भैरव के भक्त बन गए। लोगों के मान्यता अनुसार भगवान भैरव को शराब चढ़ाने से उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, जैसे कि मुकदमे में विजय, संतान सुख, शत्रु बाधा से मुक्ति और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। वहां के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि प्राचीन समय में यहां सिर्फ तांत्रिक लोग आते थे। यहां आकर उनके द्वारा तंत्र क्रियाएं की जाती थी। बाद में ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया और फिर यहाँ लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ साल पहले ही यहाँ बलि प्रथा खत्म की गई है। अब भगवान भैरव को केवल मदिरा का भोग लगाया जाता है। यूं तो काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ इसे कोई नहीं जान पाया। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा के ठीक सामने एक झूले में भगवान बटुक भैरव की प्रतिमा स्थापित है, और मंदिर की बाहरी दीवारों पर दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। मंदिर के ठीक उत्तर दिशा की तरफ एक गुफा स्थापित है, इसे पताल भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जैसा कि आपको बताया था, अर्पित शराब कहाँ जाती है इसका पता कोई भी नहीं लगा पाया है। तो दोस्तों उज्जैन का काल भैरव मंदिर एक खुद में बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि आखिर ये शराब जाती कहाँ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए रहस्य और रोचक जानकारी के साथ। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।